Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is preparations of XeF2, xenon difluoride. तो ये बड़ा important topic है, अच्छे से बस आप सुनिएगा, ठीक है? 5 मिनट. तो हम बता दें कि XeF2 का preparation हम यहाँ पे देखने वाले हैं different method से. उससे पहले कि आप बेसिकली सोच सकते हो कि XeF2 को बनाने के लिए आपको जेनोन का और फ्लोरिन का रिक्वायरमेंट होगा. किसका किसका? जेनोन का और फ्लोरिन का. मींस जेनोन और फ्लोरिन का हम रिएक्शंस कराएंगे तो जाके हमारा मिलेगा क्या? जेनोन डाइफ्लोराइड मिलेगा. लेकिन एक बात आपको और मालूम है कि जेनोन का रिएक्टिविटी क्या होता है? बड़ा ही लेस होता है, बहुत कम होता है. सो जेनोन का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है नहीं. सो इसी के चलते हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में हम रिएक्शंस कराएंगे जिससे कि जेनोन जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सके, ठीक है? तो आइए अलग अलग रिएक्शंस कराते हैं अलग अलग कंडीशंस में. तो सबसे फर्स्ट इसका प्रिपरेशंस जो है XeF2 का, वो है कि जेनोन को Xe को F2 के साथ रिएक्ट कराइए और इसका जो रेशियो होगा वो होगा 2:1, मींस Xe का रेशियो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू F2, ठीक है? एट प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस और निकल कैटलिस्ट रखिए तो जाके आपका बनेगा XeF2. ये हुआ आपका फर्स्ट प्रिपरेशंस मेथड, ठीक है? सेकेंड प्रिपरेशंस मेथड्स की बात करें तो सेकेंड में क्या करना है कि Xe को लेना है और इसको रिएक्ट कराना है O2F2 के साथ. O2F2 क्या है? ये है आपका फ्लोरीन डाइऑक्साइड. सो O2F2 के साथ इसका रिएक्शन कराना है 118 डिग्री सेल्सियस पे, 118 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, इसको हिट करना है. तो ये क्या बनेगा? XeF2 प्लस O2 बनेगा, ठीक है? तो ये हुआ आपका सेकेंड मेथड. अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड के ऊपर. तो थर्ड में क्या करना है कि जेनोन को F2 के साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी आर्क लाइट. नहीं, मरकरी आर्क लाइट के प्रेजेंस में XeF2 का जब आप रिएक्शन कराइएगा तो ये जाके बनेगा XeF2. तो देखिए हम हर एक जगह डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन करा रहे हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जेनोन क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है. सो लेस रिएक्टिव होता है तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता आसानी से. सो इसी के कारण अलग अलग हम कंडीशंस में रिएक्शंस करा रहे हैं कि जेनोन इलेक्ट्रॉन को दे सके, ठीक है? तो कोई आपसे पूछ सकता है कि हम डिफरेंट कंडीशंस में इसका रिएक्शंस क्यों कराते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट फोर्थ प्रिपरेशंस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम बता दें कि अभी जो हम रिसेंटली यूज करते हैं XeF2 का प्रिपरेशंस में, वो रिसेंटली मेथड्स इसी मेथड्स को यूज करते हैं. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा. इसमें हम कर क्या रहे हैं कि KAGF4 का रिएक्शन करा रहे हैं BF3 के साथ. अब KAGF4 क्या है? तो ये है पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो, नहीं अर्जेंटेट 1 इसका नाम है, खैर अभी नाम से मतलब नहीं है. सो KAGF4 का रिएक्शन कराइए किसके साथ? BF3 के साथ. तो ये बनता है AgF3 प्लस KBF4 और यहां पे जो AgF3 बनता है वो बनता है रेड सॉलिड. कैसा बनता है? रेड सॉलिड बनता है. आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो Ag होता है वो होता है अनस्टेबल. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है यहाँ पे +3. सो Ag अनस्टेबल होता है AgF3 में. सो इसके कारण ये फिर से रिएक्ट करता है Xe के साथ, नहीं जेनोन के साथ, और ये बनाता है XeF2 प्लस AgF. क्या बनाता है? XeF2 प्लस AgF. और यहां पे जो XeF2 बनता है ये होता है ब्राउन सॉलिड. मींस यहां पे सॉलिड का जो कलर होता है XeF2 का वो होता है ब्राउन सॉलिड, ठीक है? तो ये आपको स्टेप समझ में आया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ नहीं किया है कि AgF4 को रिएक्शंस करा BF3 के साथ तो दिया AgF3 प्लस BF4. और हम बताएं कि Ag जो है यहां पे वो अनस्टेबल होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, नहीं. सो इसको फिर से जेनोन के साथ रिएक्शन कराते हैं और XeF2 प्लस AgF मिलता है, यहाँ पे रेड सॉलिड और यहाँ पे ब्राउन सॉलिड, ठीक है? तो ये 4 प्रिपरेशंस था, ठीक है ना? और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 4. तो ये हुआ आपका प्रिपरेशंस XeF2 का. अब आपको हम बता दे रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है O2F2, KAGF4, BF3, इसका नाम क्या होगा? जिसको दिक्कत होगा वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि XeF2 को बोलते हैं जेनोन डाइफ्लोराइड, O2F2 को बोलते हैं फ्लोरीन डाइऑक्साइड, KAGF4 को बोलते हैं पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो अर्जेंटेट 1 और BF3 को बोलते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है? तो ये हुआ आपका कुछ कॉम्प्लेक्स का नाम.
तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।